गोपाल जी को गुंडों के सरदार बताते हैं और गोलियां उनकी मीटिंग में चलती हैं, फायरिंग उनकी मीटिंग में होती है। मंच से खड़े होके जो कहते हैं चेतावनी या फिर जब भी कह लीजिए आक्रोशित बयान जो देते हैं वो देते हैं, गुंडा माने शिवपाल सिंह जी को बताते हैं। एक तरफ बयान दे रहे हैं, पीछे अपने गोलियां चलवा रहे हैं और गुंडे को सरदार हमें बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और शिवपाल जी जो है गुंडों के सरदार हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब शिवपाल जी को गुंडों के सरदार बताते हैं और गोलियां उनकी मीटिंग में चलती हैं, फायरिंग उनकी मीटिंग में होती है। मंच से खड़े होके जो कहते हैं चेतावनी या फिर जब भी कह लीजिए आक्रोशित बयान जो देते हैं वो देते हैं, गुंडा माने शिवपाल सिंह जी को बताते हैं। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद बयान है, मैं तो समझ ही नहीं पाता ऐसा वो कैसे कर लेते हैं। एक तरफ बयान दे रहे हैं, पीछे अपने गोलियां चलवा रहे हैं और गुंडे को सरदार हमें बता देते हैं। उधर उनके जो भी पार्टी के नेतृत्व है वो राम नाम सत्य की बात करते हैं, गुंडे हम हो जाते हैं। उनके जो नेता हैं अभी दिग्विजय जी आए थे पीछे, उन्होंने किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया, हमें बता देते हैं गुंडे। तो गुंडे तो हमें बताने वाली बात, देखिए वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जनता देख रही है और खासकर बदायूं की जो जनता है वो देख रही है कि गुंडागर्दी अगर आज चरम सीमा पे, ये आंकड़े कहते हैं, यहाँ कोई समाजवादी पार्टी नहीं कहती, ये जो उन्हीं की सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़े हैं ये वो आंकड़े खुद ही कहते हैं कि आज गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो मैं समझता हूँ जो मुद्दे हैं सरकार के, जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। समाजवाद में कहा जा रहा है कि वोट देंगे तो ठीक है, नहीं तो हिसाब किताब किया जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, एक बार अपने आप को मैं चाहूंगा, आपको बड़े विनम्रता से कह रहा हूँ, आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वोट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हिसाब किताब किया जाएगा। उन्होंने इस बयान को 25 सेकंड की वो क्लिप है जिसको लगातार चलाया जा रहा है, वो बयान का आगे का काट दिया गया है, पीछे का काट दिया गया, उतनी क्लिप चलाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रायोजित क्लिप है, ये वायरल हो रही है। साथ ही मैं ये कहूंगा कि इसको अगर पूरे बयान को आप सुनोगे तो पहले तो जिस जगह पे उस बयान को दिया गया वहां से जनता ने जिस प्रतिनिधि को समाजवादी पार्टी के विधायक को जिता के विधानसभा में भेजा था, आज उसने अपनी नीतियों से, पार्टी की नीतियों से कॉम्प्रोमाइज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को लालच के तौर, लालच लेते हुए वोट देने का काम किया था राज्यसभा में। और जनता का जो वोट, जो विश्वास उनको मिला था, उनके साथ विश्वासघात किया था, तो उसको लेकर उन्होंने एक विस्तृत बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जिस जनता ने उनको उम्मीदों से वोट किया था उस जनता के साथ विश्वासघात किया है, तो ये हिसाब किताब करने का समय है आज के चुनाव में कि जो जिन लोगों को आप विधानसभा में भेजते हो अगर वो लोग इस तरीके से अपने निजी फायदा देखते हुए अगर पार्टी बदल लेते हैं तो उनका हिसाब किताब करने का समय है। आज भी मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो मैं पूरे डंके की चोट पर इस बात को कह सकता हूं, जनता को हिसाब किताब करना चाहिए ऐसे नेताओं का जो अपनी विचारधारा से, अपने लोगों से, अपनी जनता के वादों से कॉम्प्रोमाइज करके अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे लोगों का जनता को निश्चित ही सोचना चाहिए क्या किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।